एक हफ्ते 10 दिन और 12 दिन, मतलब 8 दिन से 12 दिन के बीच में आपको इसको दवा देनी देनी है, तो 15-16 लीटर पानी में ये हो जाएगा। दूसरे महीने में ये 2 टंकी दवा लगने लगेगी, 30 लीटर हो जाएगा। तीसरे महीने में ये 3 टंकी लगेगी, तो 30 लीटर हो जाएगा। ऐसे ही कर करके जो बढ़ेगा, जब ये 6 महीने का पौधा हो जाएगा तब इसमें 6 टंकी दवा लगेगी। दे देंगे, जैसे फूल दिखेगा बस फलना बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर कंटिन्यू करिएगा। पपीते का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है न्यूट्रेशन। ये दवा 10% इसको लगती है, केवल 10%, सबसे ज़्यादा लगता है इसको न्यूट्रेशन। न्यूट्रेशन मतलब खाद। तो ये केवल एनपीके पर जिंदा नहीं रहता है, अगर इसको आपने सही से न्यूट्रेशन मैनेज किया तो ये ना वायरस मोड पे जाएगा ना इसमें कोई बीमारी लगेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। पिछले 1-2 वीडियो में बहुत सारे मित्रों के कमेंट थे कि पपीता का अपडेट मैं आपको दूँ, और इस समय काम ज़्यादा है, समय कम मिल रहा है, जानकारी मैं जल्दी जल्दी नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। ये पपीता आप देख रहे हैं ट्रांसप्लांट हो चुका है, और आज 25 और ये जो ट्रांसप्लांट है ये 14 मई का है। 14 मई को इस समय मेरे यहाँ जो टेम्परेचर था उस 45-46 के बीच का था, और उस दिन वीडियो चूँकि ये ट्रांसप्लांट मैंने काफ़ी जल्दबाजी में किया, लीवर एवर थी तो नहीं बना पाया उस समय। पर इसमें ट्रांसप्लांट करने में कोई ख़ास बातें नहीं होती हैं। काफ़ी मित्रों के ये भी कमेंट थे कि काफ़ी पपीते लगा चुके हैं काफ़ी लोग और जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। मैं इसमें लगभग आपको 3 महीने तक की पूरी डिटेल ऐसे जानकारी देने वाला हूँ कि अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके 3 महीने के पहले और जानकारी आगे की आपको एडवांस में मिल जाएगी, तो ध्यान से देखिएगा। अगर अभी भी ट्रांसप्लांट करना है तो डरिएगा मत, मतलब बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में होती हैं कि इसको अप्रैल में नहीं करना चाहिए, मई में नहीं करना चाहिए, जून में नहीं करना चाहिए। तो मैं कोई बहुत बड़ा कृषि वैज्ञानिक तो हूँ नहीं, बट मैं अपना काम अपने तरीके से हमेशा करता रहता हूँ। तो देखिए ये ट्रांसप्लांट है, और आज 25 तारीख है, इसका मतलब है 14-25-11 दिन इसको पूरा हुआ है और पौधे में कोई कमी नहीं है। आप देख लीजिए ये चालू भी हो गया है, हेल्दी भी है, इसका तना मोटा भी हो गया है, पहले काफ़ी पतला तना था जब ट्रांसप्लांट किया था। ये पपीता का जो स्वाभाविक सामान जो मरने का एवरेज होता है वो लगभग 8-10% का होता है। ट्रांसप्लांट के बाद पौधा 8-10% मरता ही मरता है, और इस समय अभी और जब वो मरेगा तो तुरंत नहीं मरेगा, जैसे आज लगाएंगे तो कल नहीं मरेगा, परसों नहीं मरेगा, कम से कम पूरा 1 हफ्ता ले जाएगा। तो एक दूसरा रीज़न ये भी था इस वीडियो को बनाने का 8-10 दिन बाद, कि ताकि ये पता चले कि ये कितने परसेंट मर रहा है। तो इस समय जैसे ये एक लाइन में 25 पौधा है, 25 इस बेड में है, तो अभी जो देखने में आया है वो अभी लगभग 25 में 1 मुश्किल से मरा है, किसी किसी में बिल्कुल नहीं मरा है, किसी किसी में 1 है और किसी में 2 है। पपीता की एक खासियत होती है कि ये एकदम से ऐसे मरता नहीं है, लुढ़कता बहुत कम है, धीरे धीरे पत्ते गिराता चला जाएगा, देखने में ऐसा लगेगा ये जिंदा है पर वो मर चुका होता है, सारे पत्ते गिरा देगा फिर भी हरा बना रहेगा। इस समय टेम्परेचर ज़्यादा है तो जल्दी कुमले आ जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर डाउन हो तो टाइम ले जाता है दिखने में, इसलिए इसको 8-10 दिन बाद देख लेना चाहिए कि कितना मरा, उसके बाद दोबारा ट्रांसप्लांट कर दूँ और फिर सुरक्षित हो जाएगा ये। तो ये इसका लगभग अभी एवरेज 4-5% का होगा अधिकतम, मुश्किल से इतनी मरा है। और इस समय जो पानी वानी है मैं नाली से दे रहा हूँ, ड्रिप है नहीं इसमें, अगर आपके पास ड्रिप है तो ड्रिप से दीजिएगा पानी। जो टेम्परेचर अगर मेरे यहाँ जैसा है तो ज़्यादा मात्रा में दीजिएगा, जब तक कि ये पूरी तरह 15-20 दिन ना हो जाए इसमें नमी गीली रखिएगा, मतलब भुरभुरी न रख के गीली नमी रखिएगा, ताकि टेम्परेचर ज़्यादा है। मल्चिंग में हीट होती है, दोपहर में मल्चिंग में मिट्टी के अंदर गर्म हो जाती है तो पौधा भी स्लो चलेगा। कोई भी खाद मत दीजिएगा, बस हल्की सी दवाएं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, एमीडा क्लोरोपेट या एसीटा या थायोमेथोक्साम, कोई एक एसीटा एमीडा और थायोमेथोक्साम में से कोई एक कीटनाशक डालिएगा।
एक फंगीसाइड हो सके तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का उपयोग करिएगा, जैसे डूपॉन्ट का कोसाइड आता है। 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी में इसको दीजिएगा। दूसरा आता है कार्बेंडाजिम, नॉर्मल से फंगीसाइड, 1 हफ्ते 10 दिन और 12 दिन, मतलब 8 दिन से 12 दिन के बीच में आपको इसको दवा देनी देनी है। और ऐसे नहीं, क्योंकि ये बीमार आपको दिखेगा ही नहीं। पपीता की जो खासियत होती है वो बीमार नहीं होता है, दिखेगा नहीं आपको। और जब ये बीमार हो जाएगा फिर आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठीक होगा पर ठीक होने में 2-2.5 महीने का समय लगेगा, इतना इंतज़ार आप कर नहीं पाएंगे। बीमार होने में भी इसको 2-2.5 महीने लग जाते हैं, तो इसीलिए इसको दवा का शेड्यूल कंटिन्यू बनाइएगा, 1 हफ्ते से 12 दिन के बीच में। बस बिना कुछ सोचे समझे, जैसे अभी ये 1250 पौधा मेरा लगा हुआ है तो इसमें दवा बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगती, इसीलिए खर्चे से मत डरिएगा। 15 लीटर पानी में ये पूरे पौधे भीग जाते हैं, तो पहले 1 महीने में आपको 15 लीटर पानी लगेगा, मतलब ये मेरा 1200 पौधा है तो 15-16 लीटर पानी जो होता है एक टंकी में, बस पौधे पौधे दवा डालनी है तो 15-16 लीटर पानी में ये हो जाएगा। दूसरे महीने में ये 2 टंकी दवा लगने लगेगी, 30 लीटर हो जाएगा। तीसरे महीने में ये 3 टंकी लगेगी तो 30 लीटर हो जाएगा। ऐसे ही कर करके जो बढ़ेगा, जब ये 6 महीने का पौधा हो जाएगा तब इसमें 6 टंकी दवा लगेगी, तो दवा का खर्चा बिल्कुल 0 होता है। 1 महीने में 3 टंकी दवा लगाएंगे तो मुश्किल से 300 रुपये का खर्चा आएगा 1 महीने में। दूसरे महीने में ये 650 हो जाएगा, तीसरे महीने में जो 1000 पहुँच जाएगा, चौथे में बस ऐसे बहुत कम नॉर्मल होता है। पर इसको कंटिन्यू करके रखिए, कोई भी इसको खाद, जब अगर बात खाद की आए तो खाद मत दीजिएगा। 2.5 महीने तक आपको बस बिल्कुल नॉर्मल पानी देना है। और पपीते में जो NPK 19-19 करके 13-52-26-34 ऐसे आता है, इसको बिल्कुल मत दीजिए, वरना जी उसकी जड़ें सड़ाता रहता है। लोगों का क्या जानकारी है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये नुकसान करता है, तो नॉर्मल दीजिए, कोई खाद मत दीजिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि यहाँ जो मेरे पीछे से घास दिख रहे हैं आप बीच में नाली में, इसको मत होने दीजिए। ये अभी आप देख रहे हैं जी, इतनी इतनी घास है, इसका मतलब है आज इसका दी एंड है, मैं आज इसमें पूरे में दवा डालने वाला हूँ। तो घास के लिए मैं सीधा सीधा इसमें ग्लाइफोसेट डालता हूँ, इतनी सावधानी से डालना है कि इसमें उसकी गैस तक ना लगे। अब कैसे डालेंगे, हवा बंद हो, पूरी सावधानी से आप इसमें डाल सकते हैं। पौधे में पत्ती में अगर नहीं पड़ेगी तो पपीता को कोई नुकसान नहीं करेगी, ग्लाइफोसेट मिट्टी में जाने के बाद बेकार हो जाती है। ये 2 चीज़ें हो गई। खाद मैंने बताया कि आपको 2.5 महीने तक कुछ नहीं देना है, जैसे ही आपका पौधा 2.5 महीने का हो जाए उसके बाद आप DAP यूरिया और पोटाश तीनों को बराबर मात्रा में इसमें देना शुरू करिएगा। पहले 2.5 महीने आपको इसलिए कुछ नहीं देना है क्योंकि ये तेज़ी से ग्रो करेगा, अगर तेज़ी से भाग जाएगा तो बहुत ऊँचे चला जाएगा। ये चूँकि रेड लेडी 786 है, ये हाइट ज़्यादा लेता है, इसलिए इसको पहले 2.5 महीने में कुछ नहीं दीजिएगा। 3 महीने बाद इसमें आपको फूल दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे ही 2.5 महीने हो, 2.5 महीने बाद आप इसमें खाद देंगे, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें खाद का जो शेड्यूल आप बनाएंगे वो 20 से 25 दिन के भीतर उसको देना होता है, कंटिन्यू करके देना होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं देंगे। जैसे अगर आपका 1 एकड़ एरिया है या 1000 पौधा है तो आप 20-20 किलो तीनों चीज़ें कंप्लीट करिएगा और बस इसमें दे दीजिएगा। अगर आपने नाली से लगाया है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, नाली में दीजिएगा, पानी में घोल के इसी नाली में बाद दे सकते हैं, ड्रिप में दे सकते हैं। पपीते के आसपास कोई चीज़ मत दीजिएगा, वरना उसका तना या जड़ सड़ने की संभावना बढ़ जाती है। बस ये इतनी सी इसमें जानकारी है कि आपका 3 महीने तक काम बढ़िया करेगा। 3 महीने तक जैसे ही फूल आएगा, एक आध फूल ड्रॉप संभवतया हो सकता है, 1 फूल 2 फूल शुरुआत में, पहले 2.5 महीने में खाद देंगे, 3 महीने का हो 3 महीने 10 दिन 12 दिन, उसके बाद दोबारा खाद दे देंगे, जैसे फूल दिखेगा बस फलना बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर कंटिन्यू करिएगा। पपीते का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है न्यूट्रेशन। ये दवा 10% इसको लगती है, केवल 10%, सबसे ज़्यादा लगता है इसको न्यूट्रेशन। न्यूट्रेशन मतलब खाद, तो ये केवल NPK पर जिंदा नहीं रहता है, अगर इसको आपने सही से न्यूट्रिशन मैनेज किया तो ये
ना वायरस मोड पे जाएगा ना इसमें कोई बीमारी लगेगी। इसकी जो बीमारी की जो मेन वजह होती है वो न्यूट्रिएशन का अनबैलेंस हो जाता है। तो जो 16 न्यूट्रिएशन होते हैं इसको 16 के 16 चाहिए होते हैं, चूँकि इसके फल में 16 प्रकार के न्यूट्रिएशन पाए जाते हैं। खेती का जो मतलब होता है कि जिस फल में जो चीज़ें पाई जाती हैं उसको, वो मिट्टी में अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको ऊपर से देना पड़ेगी। पपीता का मेरा जो अनुभव रहा है 12-14 साल का, वो ये रहा है कि ये 3 महीने के बाद ये केवल ऊपर के दिए हुए न्यूट्रिएशन पर रहता है। मिट्टी में जो क्षमता होती है वो 2.5-3 महीने में ये पूरी सूपला साफ कर देता है। उसके बाद आपको ऊपर के न्यूट्रिएशन से जिंदा रखना पड़ेगा। तो इसमें आप समझ लीजिए जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो खाद का ही होता है। तो आपको ये देनी है, तो क्या क्या देना है, कैसा देना है, ये जानकारी मैं आपको दे दूंगा। वर्तमान में अगर आपके पास पपीता लगा है, खाद देना चाहते हैं, तो जो बनी बनाई हेलीकॉप्टर डोज है वो इसके लिए पर्याप्त है, चूँकि वो मैंने इसी पर रिसर्च किया था और इसी के लिए काम किया था। तो उसका आप यूज कर सकते हैं NPK में मिला के, मतलब वो NPK नहीं 1919, ये DAP यूरिया और पोटास में मिला के आप बीच में नाली में इसको फेंक सकते हैं। हर 20 से 25 दिन बाद, जैसे 1000 पौधे में 8 से 10 किलो, 5 से 10 किलो कहिएगा, 5 किलो भी फेंक सकते हैं, छोटा पौधा है 5 किलो दीजिएगा, थोड़ा बड़ा है 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाइएगा। और देख लीजिएगा, खाद का मतलब ये नहीं होता है कि देनी देनी है। अगर आपकी मिट्टी में क्षमता ज़्यादा है, पौधा बढ़िया दिख रहा है, उसका कलर वलर, उसकी ग्रोथ वो सही चल रही है, तो फिर खाद का वो हिसाब से कम देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कहा 8 से 10 किलो या 10, 20, 30 ऐसे किलो, नहीं। पौधा अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये खाद मांग रहा है, इसको ज़रूरत है, इसकी जो ग्रो है सही नहीं है, कलर डाउन है या न्यूट्रिशन की कमी महसूस कर रहा है, तब आपको देनी है। आपको लग रहा है कि 5 किलो में 4 किलो में काम चल रहा है तो 4 किलो ही दीजिएगा, 10 किलो मत दीजिएगा, क्योंकि आपको इसे बहुत हर महीने में आपको इसको देने ही देना पड़ेगा। तो ये जानकारी थी मेरे पास, थी, मैंने आपको दी। आगे की जानकारी मैं आपको दे दूंगा न्यूट्रिशन में कौन कौन सी खाद है, किस तरह से मिलानी है। ज़्यादातर कोई निश्चित चीज़ें कम होती हैं, चूँकि अलग अलग मिट्टी में न्यूट्रिशन की वैल्यू अलग अलग होती है। इसको कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, ये सारी चीज़ें बहुत मात्रा में लगती हैं, पर जैसे बोरान है ये कम लगेगी, कॉपर है ये कम लगेगा, जिंक है ये कम लगेगा, आयरन काफ़ी मात्रा में लगेगा, मैग्नीशियम ज़्यादा लगेगा, कैल्शियम इन सबसे ज़्यादा लगेगा, फास्फोरस की मात्रा है ये एक, फास्फोरस NPK सीधे सीधे के लिए DAP यूरिया पोटास, इसको हमेशा बराबर करके दीजिएगा। तो बस यही खाद हैं। बाकी अगर आप सीबेट का उपयोग कर सकते हैं तो इन दोनों ठीक कर सकते हैं। कोई टॉनिक वॉनिक मत डालिएगा, जितनी बार डालिएगा हो सके तो सीबेट बेस कोई टॉनिक हो, या सीबेट का आप उपयोग कर रहे हो तो इसको खूब डालिएगा, 4 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 8 दिन के अंतराल पर, कोई नुकसान नहीं करेगा, पौधा अच्छा हेल्दी रहेगा और बेनिफिट करेगा, क्योंकि सीवेट में ज़्यादातर अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, तो वो जो थोड़ा बहुत गड़बड़ी जो नीचे देने में होती है वो मैनेज कर लेता है। तो चलिए, ये जानकारी थी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करिएगा। बाकी की आगे की जानकारी अगले किसी वीडियो में समय मिलता है देने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, नमस्कार।